सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इजी शेयर के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन के अंदर जो न्यू फ़ोन है, ठीक है, इजी शेयर उसके फ़ोन के अंदर शो नहीं कर रहा होगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर भी यहाँ पे इजी शेयर शो नहीं कर रहा है, आप लोग डाटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, फाइल ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कैसे आप लोग यहाँ पे डाटा ट्रांसफर कर पाओगे, कैसे आप लोग फाइल ट्रांसफर कर पाओगे और आपके फ़ोन के अंदर कैसे आप लोग को इजी शेयर मिलेगा, ये मैं आपको आज की वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले तो बताइए, चैनल पर पहली बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट जरूर से कर देना। जो लोग गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करके आप लोगों को बताते हैं इस टाइप से आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे इजी शेयर मिलेगा और आप लोग इजी शेयर की मदद से कैसे आप लोग डाटा ट्रांसफर कर पाओगे, चलो आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूँ। सो गाइस देखो, डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इजी शेयर को यहाँ पे ओपन करना है, जहाँ पे गाइस आप लोग को दो ऑप्शन मिलता है, फाइल ट्रांसफर, फोन क्लोन, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइल ट्रांसफर पर क्लिक करना है, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन मिलता है, रिसीव का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सेंड पे क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी फाइल, जो भी आपका फाइल है, जैसे कि सॉन्ग हो गया, ऐप्स हो गया, उसको आप लोग यहाँ पे सेंड कर पाओगे। लेकिन आप लोग को पहले यहाँ पे परमिशन वगैरह जो है वो आप लोग को देना पड़ेगा, जो कि आप लोग खुद स्क्रीन पर दे सकते हो। आप लोग को एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करना है कि भाई एप्लीकेशन है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इजी शेयर ये रहा, इसको यहाँ से ऑलो कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका फ़ोन का एक्सेस मिल चुका है और यहाँ से गॉटेड पे क्लिक करो, सारा परमिशन यहाँ पे दे दो। अब यहाँ से आप लोग कोई सभी एप्लीकेशन, कोई सभी फाइल यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है, कुछ स्टेप से। इसके साथ आप लोग फ़ोन क्लोन मतलब शेयर करना चाहते हो, आप लोग आपके पास न्यू फ़ोन है, ठीक है, और आप लोगों ने न्यू फ़ोन परचेस किया, आपके पास ओल्ड फ़ोन है, इसका डाटा इस पर सेंड करना चाहते हो, इस पर टैप करो और यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, दिस इज योर ओल्ड मतलब पुराना डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे सेटअप करने के बाद आप लोग का न्यू डिवाइस के अंदर पूरा जो डाटा एक क्लिक के अंदर आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन के अंदर इजी शेयर वर्क नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है इजी शेयर। अगर आपको फर्स्ट में ही मिल जाता है इजी शेयर, तो इसके मदद से गाइस आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग डाटा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको मिल जाता है तो आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है ओल्ड फोन डाटा ऑल टू न्यू फोन, ऐसे कुछ स्टेप आपको सर्च करना है और यहाँ पे मिलेगा स्मार्ट स्विच करके काफ़ी सारे एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप लोग को यहीं से कोई एप्लीकेशन को आप लोग को ले लेना है, जैसे कि ये स्मार्ट वाला ले लो, ठीक है, ये एप्लीकेशन भी अच्छा है, इससे भी आप लोग डाटा जो ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके साथ आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारा एप्लीकेशन और भी मिल जाता है, ये सब एप्लीकेशन को यूज करके आप लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन का इस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर आप लोग चाहो तो उसका यूज कर सकते हो। इसके साथ मैं एप्लीकेशन एक तो डाउनलोड करके भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ये स्मार्ट शेयर है, इसको यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ स्मार्ट ट्रांसफर फाइल स्टार्टिंग उस टाइप से, तो इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। दैन उसके बाद जैसे यहाँ पे डाउनलोड पे लगाओगे तो यहाँ पे दोस्तों ये 20 MB का एप्लीकेशन है और कुछ स्टेप्स ये ओपन हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉलिंग ले रहा है। इंस्टॉलिंग लेने के बाद देख सकते हो कुछ स्टेप्स हैं, फिर इंस्टॉलिंग हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे करना है क्या है, सिंपल सब लोग को यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, इसको यहाँ से ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड वगैरह चलेगा तो यहाँ पे इसको स्किप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिला, उसके बाद यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल सा क्लोन पे क्लिक करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। और यहाँ पे नया लिंक लिख के आ चुका है, सेंड या रिसीव, ठीक है। तो जो भी फ़ोन के अंदर गाइस आप लोग डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास ये वाला ओल्ड फ़ोन है, ठीक है, तो इसको क्या करो, यहाँ से इसको सेंड पे क्लिक करो, ठीक है। और सेंड पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, और यही सेम एप्लीकेशन आप लोग दूसरे डिवाइस के अंदर भी डाउनलोड करो, ठीक है। सेम एप्लीकेशन अपना दूसरा डिवाइस के अंदर क्या करो, यहाँ पे डाउनलोड करो ओल्ड फोन टू डाटा ट्रांसफर स्टेप से करो और यहाँ से आप लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड करो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव टू लाइव करके, ठीक है, आपको भी सेम इसी टाइप से करना है और आप भी करोगे आपके फ़ोन के अंदर भी यहाँ पे हो जाएगा 100% वर्किंग ट्रिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 90% और यहाँ पे 100% हो चुका है। तो यहाँ पे होने के बाद आप लोगों को करना क्या है, जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ आपको भी सेम इसी टाइप से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन करना है, कंटिन्यू करो, स्किप करो, ठीक है, इस पर आओ, कंटिन्यू करो, इसी पे क्लिक करो, इसके बाद यहाँ पे सारा परमिशन ऑन करो, ठीक है, जो भी परमिशन है सारा परमिशन ऑन करो और कुछ स्टेप्स यहाँ पे जो कोड आ रहा है ना, ये कोड नीचे डाल दो यहाँ पे, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं हो रहा तो 3383, ठीक है, स्टेप्स देना है और स्टेप्स देने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद कहीं से आप लोग यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र कर पाओगे, ठीक है। सेंड पे करो क्लिक, ठीक है, ये गाइस ओके, रेडी स्टार्टेड, ओके ओके
ओके हेलो ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप से किया है, आपको भी सेम इसी टाइप से करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते प्लीज वेट, यहाँ पे कनेक्टिंग ले रहा है, जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे 100% जो है स्कैनिंग है ये भी हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क अपडेट करने के लिए बोल रहा है, प्लीज़ कनेक्ट योर डिवाइस। अच्छा अच्छा इम्प्रूव योर नेटवर्क स्पीड, ये जो नेटवर्क है ना दूसरा स्पीड कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है मेरे को, ठीक है ठीक है। तो कुछ स्टेप से गाइस आप लोग इंटरनेट कनेक्ट करके आप लोग ट्राई करना, ठीक है। और आपका यहाँ पे 100% कनेक्टिंग हो जाएगा, दोनों डाटा ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं तो इजी शेयर है ही, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो कौन पूछ लेना। बाकी चलो गाइस मिल रहे और वीडियो के लिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।